हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू दी चैनल विदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आई एम योर मास्टर टीचर कनिका एंड टुडे वी आर सॉल्विंग चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी बुक जिसका नाम है ऑर्गैनिजम्स एंड पॉपुलेशन बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है आपकी कॉलोजी यूनिट का राइट और क्वेश्चन नंबर सिक्स आज हम सोल्व करेंगे विच इज़ आस्किंग डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में एक बेसिक डिफ्रेंस क्या होता है पहले समझ लेते हैं सपोज बच्चों दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया राइट right? ये हमारा एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर मैं कुछ एक पर्टिकुलर तरह के ऑर्गेनिजम्स बना रही हूँ जैसे आई एम मेकिंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेट्स से मंकीज़ राइट तो यहाँ पर ये एक तरह के मंकीज़ हैं राइट दीज आर मंकीज़ आर मंकीज़ राइट और ये सारे मंकीज़ एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं राइट right? तो बेसिकली एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करने का मतलब क्या है दे आर एबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर ये एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्यों क्योंकि इनके जीन सेम है तो दे कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड तो ये सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करने वाले ऑर्गैनिज्म हैं दैट इज वन पर्टिकुलर पॉपुलेशन बट अगर बीच में मैंने यहाँ पर लेट्स यहाँ पर मैंने एक टाइगर भी बना दिया यहाँ पर मैंने एक एलिफेंट भी बना दिया और आई हैव मेड अ स्पीशीज दो तीन एलिफेंट्स हैं राइट एंड टू थ्री टाइगर्स आर ऑल्सो देर एंड वी हैव सम डियर्स ऑल्सो है राइट right? right? यहाँ पे कुछ डियर्स भी प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर गिवन एरिया में वी हैव सम रैबिट्स ऑल्सो राइट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं वी हैव सम स्नैक्स ऑल्सो और ऐसा नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल्स हैं बहुत सारे यहाँ पे रैबिड स्नैक्स मंकीज एंटेलोक्स और डियर्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो बच्चों अब इस पूरे एरिया को मैं क्या कह सकती हूँ आई कैन कॉल इट अ कम्युनिटी राइट कम्युनिटी इन द सेंस कि यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे जो आपस में एक इंटरेक्शन करेंगे जो एक रिलेशनशिप शेयर करेंगे चाहे वो फूड चेन्स के फॉर्म में हो ट्रॉफिक लेवल्स के फॉर्म में हो या फिर वो एक स्पेशल रिलेशनशिप भी हो सकती है स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब है कि ये सब एक ही स्पेस शेयर कर रहे हैं दैट इज़ दिस पैच ऑफ लैंड इस पर्टिकुलर एरिया में हमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अलावा और भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन में नजर आएंगी और उन सबको मिला के मैं क्या कह सकती हूँ एक कम्युनिटी कह सकती हूँ वाइल अगर मैं इस स्नेक की और इस स्नेक की एक और स्नेक बना लेते हैं यहाँ पर इस स्नेक की बात करूँ तो दे आर बिलोंगिंग टू सेम कॉमन स्पीशीज़ में भी लेकिन अगर मैं स्नेक को कंपेयर करूँ विद टाइगर और टाइगर को कंपेयर करूँ विद अ मंकी तो ये आपस में क्या है दे आर मेकिंग अ कम्युनिटी राइट जो कि इंटरेक्शन शेयर करते हैं बिकॉज दे Uh, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं एक ही स्पेस में रहते हैं एक ही एरिया में रहेंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा राइट right? तो स्पेस सेम है इसलिए फूड चेन्स कॉमन है राइट right? एक दूसरे के साथ रिलेशन भी है राइट right? कोई एनिमीज हैं कोई फ्रेंड्स हैं लाइक दैट बट दे बिलोंग टू वन सिंगल कम्युनिटी ओके सो लेट्स राइट द डेफिनेशन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन population को पॉपुलेशंस को राइट सो इट इज द कलेक्शन ऑफ इट इज दी कलेक्शन ऑफ तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन एक ही तरह की होगी पॉपुलेशन डियर की भी हो सकती है टाइगर की भी हो सकती है स्नेक रैबिट एंटीलोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक राइट इट इज दी कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गैनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इट इज दी कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गैनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर species living together living together in the same geographical area living together in the same geographical area at a time same geographical area at a time राइट right? और जब हमने वर्ड लिख दिया इंटरब्रीडिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ही एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं राइट सो दैट वाज अबाउट पॉपुलेशंस लेट मी जस्ट हाईलाइट इट तो यहाँ पर हमने बात करी है फर्स्ट टर्म की दैट इज पॉपुलेशंस अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की राइट दैट इज कम्युनिटी दैट इज कम्युनिटी तो बहुत सारी पॉपुलेशंस की जब आपस में इंटरेक्शन होएगी तो उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे कम्युनिटी so community is a group of organisms a community is a group of organisms belonging to belonging to several different several different species which live which live in a particular area which live together in the same area and interact through and interact through trophic trophic means through food chains trophic levels right through trophic or spatial relationships स्पेशियल रिलेशन शिप्स अमंगस्ट ईच अदर सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ वॉट इज अ प पॉपुलेशन एंड व्ट इज अ कम्युनिटी राइट हाउ डू दे इंटरेक्ट समझ में आया होगा इफ इट इज़ सो हिट द लाइक बटन शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड रिमेन सब्सक्राइब टू चैनल विदानतू एनसीआर टी सोल्यूशन सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर